देखिए, बहुत गंभीर समस्या है और भारत का, अभी हम श्रीलंका की चर्चा कर रहे हैं, सबने आंकड़े रखे, मैं भारत का एक आंकड़ा आपके सामने रखूं। हमारा जितना टैक्स कलेक्शन होता है उसका करीब 43%, 43% हम सिर्फ जो हमने उधार लिया हुआ है उसके ब्याज में केंद्र सरकार चुका देती। तो अगर आप ये कहते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, तो कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा जीएसटी में इस बार जब रिवीजन हुए, और पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटीज में और एसेंशियल सर्विसेज में जीएसटी लगाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि करीब 22.8 लाख करोड़ रुपए का जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन होता है टैक्स, डिफरेंट टैक्सेस के माध्यम से, उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए सालाना हम सिर्फ ब्याज के रूप में केंद्र सरकार लेंडर्स को दे देती है जिनसे आपने उधार लिया।